तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। चलिए, बहुत सारे कमेंट थे और कमेंट के ऊपर ही हमारा वीडियो आता है। कहने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट रहता है उसके ऊपर ज़्यादा वीडियो जल्द ही आता है हमारे चैनल पे। तो चलिए, आज का कमेंट मैं देखूँ, पिछले दो तीन दिन से मैं देख रहा हूँ। आप लोगों का डिमांड था, आप लोगों का मांग था कि BA LLB ऑनर्स जो 5 ईयर का होता है, ठीक है, BA LLB का जो है उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम का, मतलब कि आप पेपर डाल दीजिए, क्वेश्चन पेपर जो कि पिछले साल या फिर कहने का मतलब जो इस साल में कुछ पूछ लेगा, तो आप लोग का अभ्यास प्रश्न पत्र के रूप में भी एक प्रकार से ये हो जाएगा। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं BA LLB ऑनर्स की, जो कि 5 ईयर का होता है और 10 सेमेस्टर का होता है। जी हाँ, अभी तक आपने समझ लिया कि ये 5 ईयर का है और 10 सेमेस्टर का है। तो इसके लिए मैं बता दूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों मीडियम से यह उपलब्ध है। चलिए, तो मैं हूँ PK पनिका, ठीक है। PK पनिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। और कहने का मतलब कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, क्योंकि एक लाइक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिसमें से जो सब्सक्राइब कर रहते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन होता है तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेते हैं तो वह जल्दी से आप तक पहुँच जाता है। तो चलिए, आगे हम देखते हैं कैसे क्या करना है। तो ये 20 पेज का रहेगा, 20 पेज का रहेगा, और 20 पेज में मैं कम से कम टाइम लेने की कोशिश करूँगा और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की भी कोशिश करूँगा। तो चलिए, BA LLB प्लस BA और BA BED, बहुत सारे जो BC स्टार्ट होते हैं, BSc, सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारे ही चैनल पे मिल जाएगा। और इसकी तैयारी के लिए, आप इसका आंसर शीट के लिए आप हमारे प्ले स्टोर पर जाके और चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको यहाँ इसका आंसर अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि चलिए, हम वीडियो को स्टार्ट ही कर चुके हैं। तो यहाँ पे जैसे कि परीक्षार्थी का नाम आप लोग देख रहे हो, स्टूडेंट का नाम रहेगा। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर PK पनिका डाल दे रहा हूँ, ठीक है, PK पनिका। हाँ जी हाँ, अभी तक हमारे PK पनिका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं, और वहाँ से आपको बहुत सारे इसका PDF भी मिल जाता है और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस हमें अभी तक इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है PK पनिका, तो वहाँ से फॉलो कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे जैसे कि नाम हो गया PK पनिका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए कि आप अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर डाल देंगे, ठीक है, रोल नंबर डाल देंगे। रोल नंबर डालने के बाद आप नीचे यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 200 मार्क्स का है, यानी 200 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे टाइमिंग आपको 2 घंटे का मिल जा रहा है। यहाँ पे परीक्षा का केंद्र यानी कि सेंटर लिखना है, जहाँ पे आपका सेंटर होगा, यहाँ पे आप परीक्षा दे रहे होंगे, वहाँ पे परीक्षा केंद्र, यहाँ पे सील लग जाएगा और यहाँ पे सिग्नेचर हो जाएगा। हाँ चलिए, यहाँ पे 100 प्रश्न मिलेंगे आपको, 100 क्वेश्चन। सभी प्रश्न MCQ टाइप के रहेंगे, ABCD या फिर सादा रहेंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा, आपका नेगेटिव मार्क नहीं कटेगा। चलिए, तो यहाँ पे सीट पे तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ कि अगर आप हमें पर्सनली इसको चाहते हैं, इस PDF को, या फिर हमारे अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, 9752 76 43 और 40। दोस्तों, वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि आप कंप्लीट देखोगे तो कंप्लीट जानकारी पाओगे, ठीक है। और कंप्लीट देखने का यह मतलब है कि आप अच्छे से जानकारी पाओगे, और अगर आप स्किप करके वीडियो देखोगे तो दोस्तों आगे चल के आपको ही गड़बड़ हो सकता है। तो अभी तक आपने कॉपी पेन नहीं निकाला है तो कॉपी पेन भी निकाल सकते हैं। चलिए, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको पता ही है कि इधर इंग्लिश वाले देख सकते हैं और इधर हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए, यहाँ पे जैसे कि बता दे रहा है कि वो सिंधु सभ्यता का नगर, तो ये देखिए फटाफट, अगर मैं पढ़ूँगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, इसीलिए बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि वीडियो छोटा रहना चाहिए। चलिए,
तो यहाँ पे प्रश्न नंबर दो देखिए, ठीक है। ये हिस्ट्री के सवाल हैं, मैं पहले भी बता दे रहा हूँ कि दोनों ही हिस्ट्री के अंतर्गत आए हैं। हिस्ट्री यानी कि इतिहास आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ये भी 3 नंबर भी हिस्ट्री का ही है, 4 नंबर भी हिस्ट्री का है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये भी हिस्ट्री का ही है। 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 6 नंबर की बात कर रहे हैं, तो चीनी यात्री का ये गुप्त चंद्रगुप्त, ये द्वितीय हिस्ट्री का ही है। 7 नंबर हिस्ट्री का है, 8 यानी 8 नंबर हिस्ट्री का है, और 19 नंबर भी वो 9 नंबर हिस्ट्री का है, और 10 नंबर भी हिस्ट्री का ही है। चलिए, ये हिस्ट्री से पूछा गया है। 11th नंबर, 11th नंबर देखिए, ये भी हिस्ट्री का है। अकबर, ये सब हिस्ट्री यानी इतिहास की है। राणा प्रताप, ये हिस्ट्री का है, और ये 15 नंबर यहाँ पे भी पूछा गया है, ये भी हिस्ट्री का ही है। 16 नंबर बुंदेलखंड विद्रोह का जन्म, ये हिस्ट्री का ही है। ब्राह्मण समाज के संस्थापक कौन थे, ये भी सब हिस्ट्री के हैं। 18 नंबर, 19 नंबर हिस्ट्री यानी कि इतिहास का है, और 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए, यहाँ पे अभी तक आपने इस नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पे 21 नंबर देखिए, ये वायुमंडल से संबंधित है, ठीक है। तो 22 नंबर या फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये वायुमंडल यानी कि विज्ञान या फिर ज्योग्राफी हम कह सकते हैं, विज्ञान और ज्योग्राफी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि ये ज्योग्राफी का ही है कि विज्ञान का है, साइंस का है कि ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, ठीक है, तो भूगोल का है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही है। यहाँ पे नंबर 2 की सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसका मतलब कि 22 नंबर, 22 पे ये तो पता चल गया कि ये ज्योग्राफी के ही सवाल हो सकते हैं। तो 23 नंबर भी देखें, ये ज्योग्राफी के ही पूछा गया है, ठीक है। आपका एरिया पूछा गया है, क्षेत्रफल भारत का सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य आप लोग आंसर में अवश्य नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कि कौन सा हो सकता है, ठीक है। गोवा हो सकता है, कि त्रिपुरा में हो सकता है, कि पंजाब हो सकता है, कि सिक्किम हो सकता है, ठीक है। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हम लोग को कुछ कहने का मतलब कि आपको जब पेपर बैठते हो पेपर में तो आपको कुछ याद रहता है। चलिए आगे देखें, 20 नंबर, 25 नंबर। तो 25 नंबर यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर कंप्लीट होता है, और यहाँ 26 नंबर पे देखिए, और 27 नंबर पे देखिए, 28 नंबर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। तो ये तो ज्योग्राफी के ही सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे 29 नंबर और 30 नंबर भी हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे 30 नंबर कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग अभी तक लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर नहीं लिए होंगे, PDF चाहिए तो फिर मुझे डायरेक्टली बात करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आगे हम देखते हैं 31 नंबर, ठीक है, 32 नंबर और 33 नंबर, 34 नंबर, 35 नंबर। सूरज के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 35 नंबर कंप्लीट होता है, और 36 नंबर, ठीक है, 37 और 38 और 40 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, 40 नंबर। तो ये हमारा 40 नंबर जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7, तो ये 40 नंबर कंप्लीट होता है। 41 पे हम देखेंगे, 41 पे आप देख लीजिए, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों, ये आपके मैं बता दूं कि ये अभ्यास के लिए है, ठीक है, ये अभ्यास के लिए ये पूछा गया है, कहने का मतलब ये करेक्ट अभी जो प्रेजेंट का है वह है। आप प्रेजेंट का लिखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं भी लिख सकते हैं अगर नहीं है तो। चलिए, ये 41 नंबर का था। 42 नंबर पे देखिए, तो 42 नंबर पे ये है, और 43 नंबर, 44 नंबर और 45 नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमने 45 नंबर, ठीक है, 46 नंबर और 47, 47, और यहाँ पे हमारा हिस्ट्री से पॉलिटिकल साइंस में ये मतलब परिवर्तन हो चुका है, जैसे कि आप सभी जानते हैं
कि कहने मतलब कि पॉलिटिकल साइंस बोले तो राजनीति विज्ञान, ठीक है, तो ये राजनीति से पूछा गया है और हमारा भी 50 क्रॉसिंग हो चुका है। तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, मैं हूँ पीके पनिका, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे नोटिफिकेशन, सूचनाएं, जानकारी या फिर तैयारी के लिए हमारा प्ले स्टोर पे जाके आप देख सकते हो, है ना। और वहाँ से जो भी आपको सूचना मिलेगा, कहने मतलब वहाँ इनका नोट्स पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हो उन नोट्सों को प्ले स्टोर पे जाके, या फिर और अदर वीडियो। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे 53 की बात करें तो 53 पे यहाँ पे आ गया है कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है, विश्व बैंक किसे कहते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे हम बता चुके हैं कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स का हमारा चालू हो चुका है। इकोनॉमिक्स बोले तो अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र हमारा चालू हो चुका है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिसमें से पीके पेन के चैनल में जो भी नई नोटिफिकेशन जाए आप उसको खट से या तुरंत देख पाएँ। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये 55 कंप्लीट होता है और 56, 57, 58, 59 और कहने का मतलब ये देखिए, और 60 हमारा कंप्लीट हो चुका है। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स, मिक्रो इकोनॉमिक्स ये सब इकोनॉमिक्स के ही हैं, कहने का मतलब अर्थशास्त्र के ही पूछे गए हैं इसमें। तो ये देखिए ऐसे ही है, और 65 कंप्लीट होता है हमारा। तो अभी ये क्या चल रहा है, आर्थिक कल्याण ये सब है, मार्शल पिंगू केन्स ये सब इकोनॉमिक्स के ही सवाल हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, ये सब इकोनॉमिक्स के ही सवाल चल रहे हैं। उत्पादन उपभोग प्रोडक्टर कंज्यूमर ये सब। अब यहाँ पे 71 नंबर पे देखें तो 71 नंबर वन पे डिमांड वक्र या कर जिसे हम कह सकते हैं कुछ भी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 75 और यहाँ पे ये 76, ये देखिए 78, 79 और 18, ठीक है, और यहाँ पे 80 हमारा क्रॉस हो चुका है। और 80 से हम देखेंगे अब 81, तो यहाँ पे ये कुछ है सोशोलॉजी हम कह सकते हैं, या फिर कहने का मतलब हिस्ट्री, वहाँ से भी पूछा जाता है सवाल, तो ये वहीं से भी आया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा 85 कंप्लीट होता है। 86 देख लीजिए, ये मैथमेटिक्स के भी पूछे गए हैं सवाल हैं कुछ, कहने का मतलब कि जनगणना के अनुसार कैसे। और 1990 हमारा कंप्लीट होता है। और 91 पे देखें तो यहाँ पे ये विटामिन उटामिल ये विज्ञान से भी पूछा गया है, विज्ञान बोले तो साइंस, ठीक है, वहाँ से भी पूछा गया है, और ये सब देख लीजिए। और यहाँ पे जी के भी पूछा गया है। चलिए आगे, रात और दिन में ये सब है 97 और 98 और 99 और 100। दोस्तों यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, प्लीज़ कहने का मतलब कि प्लीज़ इस वीडियो को आप बताइएगा कि कितना हेल्पफुल रहा। अगर कुछ नॉलेज फुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को क्या करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें से कि जो भी नई नोटिफिकेशन हो कॉलेज या यूनिवर्सिटी के थ्रू तो आपको तुरंत पहुंच जाए, कहने का मतलब नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। चलिए हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी कमेंट रहेगी उस कमेंट के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है तो आप नीचे में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जी हाँ, अभी तक हमारा पीके पेन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप दोबारा देख सकते हैं इस वीडियो को फिर से रिपीट करके। चलिए हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम आने वाले हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि BSc BEd की लेने वाले हैं हम, अगला वाला नोट्स तो उस पर हम देखेंगे। चलिए हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो।